महाभारत के तीन शक्तिशाली योद्धा जिन्होंने कर्ण को कवच कुंडल के साथ मारने में सक्षम थे। नंबर वन बर्बरिक। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के युद्ध कौशल के बारे में अच्छे से अवगत थे। देवी भवानी के आशीर्वाद से प्राप्त हो तीन शक्तिशाली बाण से बर्बरिक कर्ण की कवच कुंडल को आसानी से काट सकता था। नंबर दो भगवान श्री कृष्ण जिनकी इच्छा मात्र के कर्ण की कवच कुंडल टूट कर गिर जाता। नंबर तीन अर्जुन। द्रौपदी स्वयंवर में कवच कुंडल होते हुए भी कर्ण अर्जुन के हाथों बुरी तरह पीटा था और विराट युद्ध में भी कवच कुंडल होते हुए भी अर्जुन के बाणों से कर्ण के शरीर लहूलुहान हो गया था तथा अर्जुन अपनी पाशुपतास्त्र कालदंड और ब्रह्मदंड जैसे घातक अस्त्र से कर्ण को एक ही पल में मार सकते थे।